टी20 विश्व कप की शुरुआत में लगभग एक महीने का समय रह गया। सभी टीमें इस टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में लगी हैं। भारत ने भी इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया के आधिकारिक क्रिकेट पार्टनर MPL स्पोर्ट्स ने कहा है कि टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की नई जर्सी जारी की जाएगी। MPL ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बताया कि फैंस अपनी पसंद की जर्सी बनवाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। MPL ने बताया कि फैंस इस जर्सी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन कैसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर आप लोग समर्थन नहीं करते तो ये खेल वैसा नहीं रहता। BCCI के साथ खेल के लिए अपना जुनून दिखाएं और अपने फैन मूवमेंट शेयर करें। MPL ने भारत की नई किट के डिजाइन और पैटर्न के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। ये जर्सी रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अक्टूबर नवंबर में टी20 विश्व कप के दौरान पहनेगी। हालांकि वीडियो देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इस बार भी जर्सी आसमानी नीले रंग की होगी, जैसी 2016 टी20 विश्व कप में। टीम इंडिया फिलहाल वनडे और टी20 में गहरे रंग का नीला रंग की जर्सी पहनती है। ये जर्सी पिछले साल टी20 विश्व कप से पहले लॉन्च की गई थी और MPL ने कहा था कि जर्सी में धारियां 1 अरब भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों और उनके सपनों से मिलती जुलती। भारतीय चयनकर्ताओं ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान किया। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई। ये दोनों चोट की वजह से एशिया कप में नहीं खेले थे और भारतीय टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई। टी20 विश्व कप की टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया, वहीं आवेश खान टीम का हिस्सा नहीं है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।